यो व्हाट्सअप गाइस, तो आज हम लोग लेने वाले हैं एक न्यू लग्जरी कार। पर एक्चुअली कहानी में ट्विस्ट ऐसा आता है कि मैं कल रात जब पार्टी में गया हुआ था और मुझे ड्रिंक का नशा बहुत ही ज्यादा चढ़ गया था, तो मैंने जब माइकल से रिक्वेस्ट की कि भाई मुझे अपने घर तक ड्रॉप कर दे और मुझे नशा बहुत ज्यादा है, तो माइकल ने मना कर दिया और मैंने गुस्से के अंदर माइकल को सारी खरी खोटी सुना दी कि भाई तेरे से अच्छी गाड़ी लाऊंगा और मैंने माइकल से वादा किया है। तो अब मैं उस गाड़ी को लेने के लिए निकल चुका हूँ, पर मेरे पास बिल्कुल भी पैसा नहीं है। और मैंने जब अपने फ्रेंड से बात की ना, तो उसने बताया कि भाई नई गाड़ी तो तू खरीद नहीं सकता, बहुत महंगी पड़ जाएगी, तू ऐसा कर पुरानी गाड़ी खरीद ले। तो मैं अभी यार पुरानी गाड़ी खरीदने के लिए एक कबाड़ खाने में आया हूँ, और यहाँ की लोकेशन किसी ने बताई थी कि यहाँ पुरानी गाड़ियाँ अच्छी अच्छी मिल जाती है और वो भी कम दाम के अंदर। तो चलो मैं आ चुका हूँ यहाँ, और अंकल से बात करते हैं कि यहाँ कोई गाड़ी वाड़ी है क्या, और जब गाड़ी मिलेगी ना उसे मॉडिफाई करा के हम माइकल के पास चलेंगे। और जब मैंने अंकल से यहाँ आके बात की ना कि भाई मुझे पुरानी गाड़ियाँ चाहिए, तो अंकल ने बताया कि अभी तो बिल्कुल नहीं है, पर एक गाड़ी है जो पीछे की तरफ खड़ी है और एक बंदा लेके आया उसे, तो वहाँ से हम लोग ले सकते हैं बिल्कुल। तो मैं अभी यहाँ आ चुका हूँ उस गाड़ी के पास जाके, और गाड़ी मुझे यार काफी अच्छी लगी है, पर इसका जो कलर है ना यार बहुत ही भद्दा है ना यार, बहुत भद्दा। पर कलर से तो हम वापस कलर करवा लेंगे, फिर इसके चारों तरफ के शीशे ना वो टूटे वूटे हैं, और मुझे लगता है साली गाड़ी चोरी वोरी की लगती है, पर क्या कोई फर्क नहीं पड़ता है। चलो भाई से यार पैसों की बात की जाए, और भाई गाड़ी के चारों तरफ के शीशे ना वो भी पूरे टूटे वूटे हैं, पर बहुत ज्यादा खर्चा गाड़ी में। चलो भाई से मैं जब पैसों की बात की ना, तो ये पूरे $50,000 मांग रहा है, बोल रहा है कि बहुत ही पुरानी गाड़ी है। भाई ये बहुत पागल आदमी है क्या, ये ले। इसके चक्कर में मैं वहां से आया हूँ, चलो यहाँ से निकलता हूँ, ये गाड़ी हमें नहीं लेनी है, चलो हम कोई दूसरी गाड़ी देखेंगे। पहले हम सबसे पहले यहाँ से निकलते हैं, कोई हमें देख ना ले। मैंने बहुत बुरा मारा इसको, इसका सिर ही फोड़ दिया। और मुझे किसी भी हालत में ना यार गाड़ी चाहिए, पुरानी लूँ या नई लूँ, बस मुझे गाड़ी चाहिए। आज की तारीख में मुझे गाड़ी चाहिए ना किसी भी हालत में। चलो मैं यहाँ आया हूँ, और मुझे एक टू व्हीलर चाहिए, और मैं यहाँ से कुछ एक सीक्रेट जगह पे जाने वाला हूँ। एक बंदे ने मुझे अभी रास्ते में बताया था कि भाई एक बंदा है जो तुझे कम पैसों के अंदर न्यू गाड़ी फाइनेंस करके दे देगा, और वो गाड़ी हम लेके यहाँ से निकल लेंगे, और तुम कंपनी वालों के कभी हाथ में मत आना। तो उस बंदे से हम मिलने वाले हैं, और वो ही हमें सारी चीज़ बताने वाला है कि गाड़ी को कैसे फाइनेंस किया जाता है, और हमें अगर वो गाड़ी मिल जाती है ना भाई फाइनेंस वाली, तो काफ़ी मज़ा आ जाएगा यार, और हमें एक नई गाड़ी मिल जाएगी, और हम फाइनेंस के बाद हम देख लेंगे उसकी किस्त भी भरनी होगी तो वो भी भर देंगे हम, पर हाँ हमारी इज्जत रह जाएगी माइकल के सामने। तो मैं जल्दी से उस लोकेशन पे चलता हूँ, और उसने एक बंदे की लोकेशन बताई है, और वो रहे वो लोग जो इनसे हम पता करते हैं कि भाई एक बड़ा बंदा ना, वो उसका नाम क्या बताया था मुझे याद नहीं आ रहा है, जोली, हाँ भाई जोली के बारे में बताया था। और जब मैंने इनसे जोली के बारे में पूछा ना, तो इसने एक सीक्रेट लोकेशन बताई है, वहाँ हम लोगों को जाना होगा, और मैं आखिरकार यहाँ पहुँच गया हूँ। और उसने बताया गाड़ी को मैंने रास्ते में छोड़ दिया है, और अंदर चलते हैं और उससे बात करते हैं जोली से। तो हम अंदर आए हैं और जोली से हमने बात की है, और जोली बहुत काफ़ी खुश हो रहा है कि जोली बोल रहा है हमको कि भाई ये मेरे दाया हाथ का खेल है, और मैं तुझे एक नई गाड़ी फाइनेंस करवा दूंगा, वो भी कम दाम में, पर पहले मुझे 5,000 रुपये देने होंगे। भाई ये 5,000 रुपये मांग रहा है, और जब मैंने इसे काफ़ी समझाने की कोशिश की कि भाई मेरे पास फूटी कौड़ी नहीं है, तो इसने कहा कि देख भाई 5,000 तो देने ही होंगे तुझे। तो मैं अभी 5,000 के लिए निकल चुका हूँ यहाँ से, और 5,000 रुपये हम कहीं से कबाड़ने होंगे, कुछ भी करके, लेटरिंग साफ करके, कैसे भी करके, मुझे बस 5,000 रुपये चाहिए। तो अभी मैं यहाँ से निकलता हूँ, और मुझे कोई काम मिल जाए ना तो मज़ा आ जाता है, या किसी की गाड़ी वाड़ी चोरी करके किसी को बेच दूँ ना, तो 5,000 रुपये मिल जाएंगे हमको। तो मैं जल्दी से चलता हूँ, और मुझे 5,000 रुपये इकट्ठे करने हैं और उस बंदे को देने हैं। उसके बाद उसने कहा कि कुछ डॉक्यूमेंट भी देने होंगे हमारे, तो वो बाद में देखेंगे। तो भाई मैं यहाँ से देख ही रहा था, तभी यहाँ गाड़ी आती है, और यहाँ फायर वायर होती है पुलिस वाले, तो भाई मुझे लगता है कोई बड़ा लपड़ा हो चुका है यहाँ, और इस लपड़े में मैं काम कर सकता हूँ यार। मैंने सोचा कि यार यहाँ से कोई गाड़ी चुरा लेता हूँ, क्योंकि पुलिस वालों को पता भी नहीं चलेगा। भाई पुलिस वालों को गोली पड़ी है और ये घायल हो चुका है, और मैं सोच रहा हूँ कि यार यहाँ से एक ना अच्छी सी गाड़ी चुरा कर निकल लेता हूँ, उसे कबाड़े में बेच देता हूँ, तो यहाँ किसी को पता भी नहीं चलेगा कि वो गाड़ी गई की है, कहाँ गई है। और गाड़ी मिल चुकी है यार, इसको हम लोग क्या करते हैं कि लेकर चलते हैं और एक कबाड़े में बेच देते हैं, और कबाड़े में बेचने के बाद हम इससे 5,000 रुपये ले लेंगे, और 5,000 में आराम से बिकेगी यार। तो हम लोग जल्दी से चलते हैं वहाँ, और इस गाड़ी को ना हम जल्दी से बेच देते हैं, और
वहां से हम बेच के इस बंदे को पूरे 5,000 रुपए दे देंगे। इसे कॉल मिला के पता कर लेंगे कि कहाँ मिल रहा है। तो हम जल्दी से चलते हैं उस कबाड़े के पास और आखिरकार हम लोग उस कबाड़े के पास आने वाले हैं। और मैं पहुंच चुका हूँ उस कबाड़े में और वहाँ एक लेडीज है और यह चोरी की गाड़ियाँ खरीदती है। पर इसने कहा कि मैं 5,000 रुपए देने के लिए तैयार हूँ। एक बार अगर गाड़ी की कीमत तूने ले लेना तो वापस गाड़ी नहीं देंगी मैं, ठीक है। तो हमने गाड़ी इसको सौंप दी है और इसने कहा कि मैं गाड़ी को जला दूंगी फटाफट, क्योंकि यार जलने के बाद इस पे कुछ भी निशान नहीं रहेंगे कि गाड़ी किसकी है, कोई सबूत नहीं, सभी सबूतों को मिटा देंगे। और हमने अपने 5,000 रुपये लिए हैं और उस बंदे के पास अभी हम जा रहे हैं। और उसने जब मैंने उसे कॉल किया ना तो उस बंदे ने मुझे ये बताया, एक सीक्रेट लोकेशन दी है, वहाँ हम लोगों को जाना होगा। तो उस सीक्रेट लोकेशन पे जाके हमें पैसा देना होगा। तो मैं आखिरकार उस बंदे जोली के पास आ चुका हूँ और इसने कहा था कि मुझे इस सीक्रेट लोकेशन पे आके ही पैसा देना होगा, किसी को पता नहीं चलना चाहिए। तो भाई मैंने इसे पैसा दे दिया है, ट्रांसफ़र किया है। और इसने कहा कि भाई तू सबसे पहले तो अपने घर पे जा, नहा धो के अच्छे से कपड़े पहन, और ठीक है उसके बाद एक अच्छा लोंडा बन के आ। इसने यही सजेस्ट किया है, अगर तू अच्छा बन के आएगा ना तो गाड़ी जल्दी से फाइनेंस की जाएगी। तो हम लोग यार जल्दी से चलते हैं, हम नहाएंगे धोएंगे आराम से, शैम्पू वैम्पू लगाएंगे, अच्छे से कपड़े पहनेंगे और जल्दी से इस बंदे को कॉल करेंगे, क्योंकि कंपनी में हम इस तरीके से नहीं जा सकते, क्योंकि वो लोग सोचेंगे कि हम चोर हैं। तो हमें कुछ VIP टाइप के लुक में जाना होगा और वहाँ से हम लोग गाड़ी को यार फाइनेंस करवा लेंगे ना। और उसके बाद देखना हम माइकल के घर पे जाएंगे और माइकल के घर पे जाने के बाद टकाटक माइकल को बोल देंगे कि देख अपनी इज्जत देख। तो जल्दी से यार हम लोग चलते हैं। और मैंने घर पे जाके कपड़े वपड़े सब चेंज कर लिए, ज़्यादा वक्त नहीं लगाया, ना धोके बिल्कुल फ्रेश होके सिर में तेल लगा के। और उस भाई ने यही लोकेशन दी थी मैंने जब कॉल किया था और मुझे काफ़ी देर हो गई यार, वो अभी तक नहीं आया। अब मैं सोच रहा हूँ कि यार एक बार ना उसे कॉल मिला लेता हूँ मैं, पता नहीं वो कहीं रास्ते में तो नहीं रुक गया होगा या कोई दूसरी चौराहे पे मेरा वेट तो नहीं कर रहा होगा। तो मैं जल्दी से यहाँ ना कॉल मिलाता हूँ एक बार उसको। चलो कॉल मिला लेते हैं। उसके नंबर कहाँ है बैग, उसके नंबर मिल जा नंबर, चलो हाँ कॉन्टेक्ट लिस्ट में देखते हैं उसके नंबर क्या है। भाई मैं तो उसको जोली नाम से ही जानता हूँ, उसने जोली ही बताया था मुझे। और चलो कॉल मिलाते हैं उसको और क्या पता वो हमारे साथ कोई फ्रॉड तो नहीं कर रहा है। नहीं फ्रॉड तो नहीं करेगा भाई, क्योंकि बंदे ने अपना एड्रेस भी दिया था मुझे, उसका जो गोदाम है ना जो गाड़ियों का, उसने एक एड्रेस दिया था जो पुरानी गाड़ियाँ खटारा गाड़ियाँ होती हैं। चलो कॉल मिलाता हूँ मैं। भाई कॉल नहीं उठा रहा वो, अभी क्या कर रहा है? अबे भाई कॉल नहीं उठा रहा, ये हो क्या रहा है? चलो ठीक है करता हूँ मैं, थोड़ा लंबी घंटी करता हूँ उसको कॉल में, क्या पता कॉल उठा ले, अभी तक नहीं उठाया। अबे दिमाग खराब हो चुका है। अबे उठा उठा भाई, उसने कहा था कि तू ना धोके और एक अच्छे से लग्जरी बन के आ जा, और मैं लग्जरी बन के आ चुका हूँ भाई, उसने कॉल नहीं उठाया। चलो ठीक है एक बार वापस किया जाए कॉल। उसका नंबर कहाँ चला गया भाई? ये मेरा फ़ोन भी है ना टूटा फूटा है और बहुत पुराना है, लैग भी बहुत ज़्यादा करता है ये यार। कुछ समय बाद फ़ोन को भी चेंज कर लेंगे भाई, मुझे एक गाड़ी चाहिए लग्जरी गाड़ी। अबे कॉल उठा ले भाई, उसने कॉल ही नहीं उठा रहा वो, और उसने कहा था अभी 15-20 मिनट पहले तो मैंने कॉल किया था उसको। भाई मुझे लगता है पैसे देने के बाद उसने मेरे साथ फ्रॉड कर दिया। चलो ठीक है, क्या पता कुछ काम में बिजी होगा, कहीं फंस चुका होगा। मैं उसके गोदाम पे चलता हूँ और गोदाम पे पता करता हूँ कि क्या पता वो गोदाम पे मिल जाए मुझे, या उसके आदमी लोग होंगे तो वो बता देंगे उस पे, वहाँ जो उनके वर्कर होंगे ना। तो मैं जल्दी से यार उस गोदाम के पास चलता हूँ। चलो जल्दी चलते हैं हम लोग गोदाम के पास और वहीं पता लगाएंगे कि क्या हो रहा है वह गोदाम के पास। भाई तो यहाँ से हम शॉर्टकट से चलते हैं और शॉर्टकट से हम गोदाम के पास जाएंगे। और हम ना मैं सोच रहा था कि यार ये गाड़ी है ना इतनी तगड़ी वाड़ी लग्जरी गाड़ी है ना, फाइनेंस करा लेंगे। और आखिरकार मैं जब गोदाम के अंदर आया ना तो यहाँ एक भाई मिले हैं और उनसे मैंने पूछा कि भाई जोली भाई का गोदाम यही है क्या? तो भाई ने मना कर दिया कि किसी जोली बोली को नहीं जानता मैं और ये गोदाम मेरा खुद का पर्सनली है और यहाँ कोई गाड़ी वाड़ी नहीं है, यहाँ बस ओनली पुरानी जो कचड़े की गाड़ी आती है ना और जो भी लोया लक्कड़ आता है ना वही आता है यहाँ। तो भाई भाई ने बताया कि तेरे साथ उसने फ्रॉड किया है और मैं किसी जोली बोली को नहीं जानता और हमारे साथ एक बड़ा बिग स्कैम हो चुका है भाई 5,000 का, और हमारी गाड़ी भी गई वो, क्योंकि मेरा सपना उसने तोड़ दिया। अब मैं ना उस बंदे को जल्दी से ढूंढूंगा और उसे ढूंढने के बाद ना बहुत बुरा मारूंगा और उसके बाद उसे कहूंगा कि मुझे गाड़ी फाइनेंस करवा, क्योंकि वो बंदा है तो बहुत कमाल का आदमी है। मेरे दोस्त ने बताया था कि भाई वो अगर जिसका अगर फ्रेंड बन जाता है और या जिस पर मेहरबान हो जाता है ना तो वो जितने भी महंगी गाड़ी है ना उसे है ना चुटकी में फाइनेंस करवा सकता है। अगर 1 करोड़ की गाड़ी है ना तो उसे
पूरे 10,000 में फाइनेंस करवा देगा, तो हमें जल्दी से उस बंदे को ढूंढेंगे। सबसे पहले ना उसकी बात बुरी हालत करेंगे हम लोग, उसके बाद उसे कहेंगे कि भाई गाड़ी को फाइनेंस कराना है,